समझे आप लोग लैंड इक्विजिशन ऑफिसर, बजरंग बली, बजरंग बली को हम लैंड इक्विजिशन ऑफिसर बोलते हैं। कहीं भी अगर कोई झमेला है, जमीन में कब्जा करना है, रातों रात उसको खड़ा कर दो। हम डीसी को वहां से फोन किए कि दो दिन के अंदर उस ऑफिसर को वहां से गायब करिए, हटाइए, और नहीं तो इतना बड़ा इधर से आदिवासी को तैयार कर देंगे, इतना तीर चलेगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आगे से चल रहा है कि पीछे से चल रहा है। देश में हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। झामुमो के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक हेमलाल मुर्मू ने बजरंगबली को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये लैंड एग्जीक्यूशन पदाधिकारी हैं जो संथालों के जमीन कब्जाए हुए हैं। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा है कि दो दिन के अंदर इसे हटाए। उन्होंने पदाधिकारी को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर दो दिन के अंदर मूर्ति नहीं हटा तो तीर धनुष से लैस आदिवासियों का हुजूम उठेगा और इतना तीर चलेगा कि आगे से चलेगा कि पीछे से चलेगा यह पता नहीं चलेगा। यह बयान बोआरिजोर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए अशोभनीय बयान दिया है। गौरतलब है कि झामुमो से हटने के बाद हेमलाल मुर्मू भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद पुनः झामुमो में शामिल हो गए। यहां बता दें कि झामुमो पार्टी इंडिया के घटक दल है। वर्तमान में झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन कर सरकार चला रही है। इंडिया में शामिल होने के बाद लगातार बिहार के बाद झारखंड से विवादित और अशोभनीय बयान नेताओं की आ रही है। पहले हम आपको उनका वो बयान सुनाते हैं और उसके बाद इस बयान पर उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है हम आपको वो भी सुनाएंगे। परसों को गए थे तालझारी में, गजब हालत है। 300 एकड़ जमीन आदिवासी का चपाल मोजा में कहां से रिफ्यूजी को ला करके बंदोबस्त कर दिया बताइए, कोई देखने वाला नहीं। परसों को हम गए, एसडीओ को बुलाए, राजमहल एसडीओ को, और सीओ के ऑफिस में हम लोग मीटिंग किए, सब आदिवासी लोग आया था वहां पर। क्या किया है ये लोग का बुद्धि, ये लोग रातों रात लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को खड़ा कर दिया। समझे आप लोग लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, अरे बजरंगबली, बजरंग बली को हम लैंड इक्विजिशन ऑफिसर बोलते हैं। कहीं भी अगर कोई झमेला है, जमीन में कब्जा करना है, रातों रात उसको खड़ा कर दो, तो भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी हो गया। हम डीसी को वहां से फोन किए कि दो दिन के अंदर उस ऑफिसर को वहां से गायब करिए, हटाइए, और नहीं तो इतना बड़ा इधर से आदिवासी को तैयार कर देंगे, इतना तीर चलेगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि आगे से चल रहा है कि पीछे से चल रहा है। तो कल तक हटाने का बात किया है। हालांकि हेमलाल मुर्मू ने इस बारे में सफाई देते हुए कहा है कि मेरे भाषण को मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो साफ तौर पर सुना जा सकता। बुआरी जोर के कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारा भाषण को गलत तरीके से ईटीवी बिहार झारखंड ने प्रस्तुत किया है। हमने कभी नहीं बोला कि बजरंग बली को हटाने के लिए हुजूम, संथालों का हुजूम जाएगा तीर धनुष लेकर के और उसे हटा देगा, ऐसा कोई शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला है। और ये इसको मैनिपुलेट करके मीडिया वाला और ईटीबी वाला इसको छापा है जो मेरे बयान के खिलाफ है, इसीलिए इसको संशोधन करना चाहिए। और इस ढंग का कोई मैंने मेरा बोलने का कोई औचित्य नहीं है और हमने इस ढंग का कोई बात नहीं बोला। क्या आप भी बेहतर माइलेज के साथ स्मार्ट लुक की बाइक लेना चाहते हैं? क्या आप मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ आसान किस्तों में बाइक लेना चाहते हैं? तो आपके लिए है खुशखबरी। जी हाँ, आपके शहर मागामा में खुल चुका है यामाहा का न्यू हीरा मोटर शोरूम, जहाँ आपको यामाहा की बाइक मात्र 40,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ मिल रही है, और यामाहा की स्कूटी मात्र 30,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो अब आपका सपना नहीं रहेगा अधूरा। आज ही पहुंचे और अपनी पसंदीदा यामाहा की बाइक्स को विजिट करें। हमारा पता है केचुआ चौक, ललमटिया रोड, महागामा, हीरा मोटर्स। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।